डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल 2020 है और मैथ्स का आज हम जो है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। हमने आज जो है पार्ट नंबर 3 लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 28.9। तो 28.9 को यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 था तो पहले एक जीरो लगा के इसका पेयर कंप्लीट करेंगे और आगे जो है फर्दर जो है हम 2 0 एक पेयर की सूरत में लेंगे। इससे फर्दर भी हम ले सकते हैं लेकिन चूंकि हमें अप टू 2 डेसिमल जाना है तो इसलिए हमें 2 पेयर ही लेने हैं सबसे पहले। और हमने राइट साइड पे पॉइंट से पहले जो अमाउंट है उसको राइट साइड की तरफ जो है हमने पेयर बनाने शुरू करने होते हैं और इस साइड पे इस आफ्टर डेसिमल जो है इस साइड को पेयर बनाने होते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर आया है 28। इसको डिवाइड करेंगे 5 5 25। तो अब इसमें से माइनस किया हमारे पास 3 आ चुका है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे ले आएंगे, 390 बन जाएगा। अब इसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 5 था, 5 में 5 ऐड किया तो 10 बन चुका। अब 10 को पहले फर्दर जो है 1 से फिर 2 से फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 103 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 309 आया। अब इसमें से फिर हमने माइनस किया 390 में से 309 को माइनस किया तो हमारे पास 81 आ चुका है। तो 81 जो है अब हमने नेक्स्ट पेयर जो है जीरो वाला वो नीचे उतारा और इसके बाद 3 में 3 प्लस किया तो ये बन गया 106। अब 106 को पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 5 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो वो नंबर काफी छोटा था। अब इसके बाद हमने 106 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी अमाउंट बन जाती है 1067 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7469 आया। फिर हमने इसके बाद इसको माइनस किया तो हमारे पास बचा 631 और 7 से जो मल्टीप्लाई किया था उसको हमने यहाँ पे राइट किया। तो ये हमारे पास अप टू 2 डेसिमल हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर है अगर वो इसके हाफ से ज्यादा हो तो लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो आखिरी डिजिट में 1 हम इंक्रीज कर देंगे उसको, यानी उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा अप टू 2 डेसिमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ चुका है 28.9 का स्क्वायर रूट का आंसर 5.38। तो आज की आपकी जो डायरी है क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने एज ए होमवर्क कर लेना है और आइंदा से हम मंडे से आपका जो है वो टेस्ट शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा और साथ साथ जो है हर मंडे को टेस्ट हुआ करेगा। अल्लाह हाफिज़।